हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मिथुन राशि या मिथुन लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, अब दुख दूर होंगे। हर एक व्यक्ति अपने जीवन में जो भी समस्याएं हैं, जो भी दुख हैं, उनसे बाहर निकलना चाहता है। और ये 25 अप्रैल से लेकर 19 मई का ये जो समय है, तो जीवन में ऐसे जो दुख हैं, जो समस्याएं हैं, उनमें से कुछ दुख, कुछ समस्याओं से आपको मुक्ति मिल सकती है। कौन से वो दुख हैं जिनसे आप बाहर निकल पाएंगे, क्या आपको सुपरिणाम मिलेंगे, क्या सावधानी रखनी है, क्या उपाय करने हैं, सब हम जानेंगे। क्योंकि सुखों को देने वाले ग्रह की स्थिति अब परिवर्तित होने जा रही है, और यह परिवर्तित स्थिति आपके जीवन में क्या प्रभाव डालेगी, यह समझना क्यों जरूरी है। क्योंकि प्रदर्शकों, हम बात कर रहे हैं शुक्र की। शुक्र अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, ये 25 अप्रैल को, यानी कि 24 अप्रैल को 11:59, लगभग 25 अप्रैल ही समझिए। तो 25 अप्रैल को शुक्र का जब राशि परिवर्तन होगा, तो ये बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन खासकर मिथुन राशि वालों के लिए, मिथुन लग्न वालों के लिए होगा। क्योंकि शुक्र आपके पंचमेश बनते हैं, आपके बेस बनते हैं, और आपके आय भाव में गोचर करेंगे। जहां एक तरफ व्यय भाव के अधिपति हैं, वहीं दूसरी तरफ आपके पंचमेश, जो कि कार्यग्रह माने जाते हैं, और आपके आय भाव में गोचर करेंगे। और हर एक व्यक्ति, ऐसा नहीं है कि हर एक व्यक्ति पैसे से जूझ ही रहा है, परंतु एक जो इच्छा है, जो एक कहीं ना कहीं मन में विचार है, चाहे आप महीने को देखा जाए कि ठीक है, कोई 10,000 भी कमाता होगा, कोई 50,000 भी कमाता है, कोई लाख, कोई करोड़ कमाता है, चाहे 10,000 कमाए, चाहे लाख कमाए, चाहे करोड़ कमाए, परंतु एक मानसिक स्थिति यह होती है कि नहीं, और थोड़ा और मिल जाए तो अच्छा है। क्योंकि ये लक्ष्मी है, चंचला है, कभी रुकती नहीं किसी के पास, इसीलिए हमारे पास धन जो आता है वो जाता भी है। इसलिए कभी भी एक मन में जो कहते हैं ना कि अब ये भी कारण है आज के समय में कि इच्छाएं, मतलब जब हम कोई चीजों को देखते हैं, इच्छाएं इतनी ज्यादा प्रबल होती हैं कि नहीं, हमारे पास ये भी हो, वो भी हो, और वही कारण होता है कि धन की आवश्यकता होती रहती है और संतोष नहीं मिलता है। यदि अब चीजों की यदि इच्छाएं ना हो, यदि हम बहुत सारी चीजों को ना सोचे कि ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, तो फिर सीधी सी बात है कि पैसे की जरूरत नहीं होगी। तो यही कारण है, आज का समय भी ऐसा है। तो मेन मुद्दा जो आपका है, तो वो भी अब रास्ते में आने वाला है। क्या आएगा, कैसे आएगा, समझते हैं। उससे पहले थोड़ा सा ग्रह स्थितियों को समझ लेते हैं, जिससे समझने में आसानी होगी और आप भी समझ पाएंगे कि हाँ, जो मैं ये कह रहा हूं तो वो क्यों कह रहा हूं, ऐसा क्यों लिखा हूं मैं कि अब दुख दूर होंगे। जैसे मैंने बताया कि शुक्र का 25 अप्रैल को राशि परिवर्तन होगा मेष राशि पर। यह मंगल की राशि है, अभी तक ये उच्च की राशि में गोचर कर रहे थे शुक्र, अब 25 अप्रैल से मंगल की राशि मेष में गोचर करेंगे। परंतु जैसे ही शुक्र यहां पर राशि परिवर्तन करेंगे, वैसे ही देवगुरु बृहस्पति के साथ युति भी होगी, जिससे गुरु घंटाल योग का निर्माण हो जाएगा, और सूर्य के साथ भी युति होगी, जिससे वैभव योग नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे, इसका भी निर्माण हो जाएगा। और फिर बुध के साथ भी युति होगी, जिससे लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण, त्रिग्रही योग और चतुर्ग्रही योग का भी इसी समय 25 अप्रैल से लेके 19 मई के बीच में निर्माण होगा। परंतु यहां पर थोड़ी सी बात और भी समझने की जरूरत है, क्योंकि जो ये योग है, ये कुछ कुछ समय के लिए, जैसे 25 अप्रैल से लेके 1 मई तक गुरु घंटाल योग रहेगा, क्योंकि फिर देवगुरु बृहस्पति का राज परिवर्तन हो जाएगा, और 14 मई तक वैभव योग जो मैंने पहले बताया, तो इसका निर्माण रहेगा सूर्य के साथ युति होने की वजह से। और बुध का, ये जो बुध और शुक्र की युति से लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होगा, ये 10 मई से लेके 19 मई, क्योंकि फिर 19 मई को शुक्र भी अपनी ही राशि मेष को छोड़ के वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे।
तो ये जो योग हैं कुछ कुछ समय के लिए, तो अपने अपने समय पर ये अपना अपना प्रभाव दिखाएंगे। आइए सूत्र नामों की बात कर लेते हैं। तो जैसे मैंने कहा, ये धन की समस्याएं थी, पैसे की समस्याएं थी, अब वो दूर होंगी। ऐसा मतलब नहीं है, कभी भी मत समझिएगा कि पैसे की समस्या दूर होने का मतलब ये है कि आपको लाखों चाहिए थे, करोड़ों चाहिए था, वो 25 अप्रैल को मिलेगा। नहीं, मार्ग मिलेंगे और धीरे धीरे धन अर्जन होने लगेगा और लाभ, ये जो समय है 25 से 19 का समय, तो इसके बीच में जरूर कुछ न कुछ धन लाभ होगा। और साथ में बहुत सारी इच्छाएं, बहुत सारी कामनाएं, क्योंकि ये जो एकादश भाव है, ये कामनाओं का भाव है, आपके ड्रीम का भाव है, तो बहुत सारे आपके ड्रीम इस समय पूरे हो सकते हैं। अब ड्रीम कुछ भी हो सकता है। अब जैसे किसी का ड्रीम हो सकता है कि मैं कोई ट्रिप कर लूं, किसी का ड्रीम हो सकता है कि नहीं मुझे अपने को 2 व्हीलर लेना है, 4 व्हीलर लेना है, या किसी का ड्रीम हो सकता है कि मैं जो काम कर रहा हूं, जो मेरा पैशन है, वो पूरा हो जाए। अब कोई म्यूजिक चाहता है सीखना, कोई चाहता है कि नहीं मुझे एक्टिंग में जगह मिल जाए, वो हो गया। या ऐसी कोई भी इच्छाएं, अब जैसे कोई ड्राइंग ही करता है, कलाकार है, तो चाहता है कि मेरी ड्राइंग सफल हो जाए। संभव है कि इस समय यदि आपकी जन्म कुंडली की ग्रह स्थितियां, दशाएं आपको सपोर्ट कर रही हैं, तो गोचर सपोर्ट कर ही रहा है। तो यदि दोनों का सहयोग मिल गया, पर्सनल कुंडली, क्योंकि मैं हमेशा कहा करता हूं कि आपकी जन्म कुंडली और गोचर दोनों 50-50 अपना प्रभाव दिखाते हैं। और कई बार ये होता है कि जब दोनों का सहयोग हो गया, दशाओं का भी सहयोग हो गया, तो फिर आपकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। पर जब एक देखते हैं कि बहुत बढ़िया बताया जा रहा है, इसीलिए कुछ कंफ्यूजन भी होता है बहुत लोगों के मन में, कि जैसे आप बताते हैं इस तारीख से उस तारीख से ऐसा होगा वैसा होगा, पर होता नहीं है। पर कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि नहीं मेरा हो गया, तो इसके पीछे कारण मात्र यही होता है कि आप गोचर में, तो आपने अभी जैसे मुझसे सुना कि ऐसा ऐसा होगा, पर पर्सनल जन्म कुंडली आपकी सपोर्ट नहीं करती, तब फिर ये पूरा नहीं हो पाता है। इसीलिए मैं हमेशा कहा करता हूं कि चेक करिए, गोचर देखिए जैसे मैंने बताया, फिर अब शुक्र को जैसे हमने बताया और भी ग्रहों को, तो उनकी भी स्थिति चेक करिए। अब आगे हम बढ़ते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि आपके ये पंचमेश हैं, तो जो लोग इन्वेस्ट करते हैं कहीं भी, और खासकर जैसे शेयर मार्केट और अन्यत्र, तो यहां पर क्या होगा, और शेयर मार्केट में भी बहुत सारे ये होते हैं, शेयर होते हैं। अब जो शुक्र से संबंधित शेयर होंगे उनको, जैसे ब्यूटी से संबंधित कोई शेयर हो गया, या फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित हो गया, या आप जैसे कपड़े, व्हाइट कपड़े हो गए, होटल इंडस्ट्री, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र शुक्र के होते हैं, तो उनसे संबंधित यदि कोई भी काम आप कर रहे होंगे, शेयर मार्केट में जो कंपनियां होंगी उसमें इन्वेस्ट कर रहे होंगे, या और भी कहीं, अब जैसे कोई कुछ लोग पर्सनल इन्वेस्ट करते हैं, आप समझिए कि एक कोई क्रीम है और उस कंपनी में कोई इन्वेस्ट करना चाहता है, ठीक है, तो ये समय होगा कि उस इस समय यदि करता है और उसको सपोर्ट जैसे मैंने बताया कुंडली का भी मिल गया, तो फिर वो इन्वेस्टमेंट आगे चल के उसको बहुत लाभ देगा। आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग किसी बड़ी कंपनी में, नामी गिरामी कंपनियां जैसे होती हैं, या छोटी कंपनी भी कुछ होती है, उसमें किसी ने बड़े व्यापारी या कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत सारा धन है, उसने इन्वेस्ट किया था, तो आगे चल के देखने को मिला कि वो बहुत पैसा कमाया वहां से, पर कुछ लोग घाटे में चले जाते हैं। यही कारण होता है कि एक सही समय में जिसने इन्वेस्ट कर दिया उसे लाभ मिल जाता है, और जिसने गलत समय में इन्वेस्ट किया, तो अब संभव है कि अब ऐसा नहीं है कि अब किसी व्यक्ति की कैपेसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे आपने इन्वेस्ट किया, आपकी कैपेसिटी कितनी थी, 1 करोड़ की, ठीक है, तो यदि आपने वहां पर 10 लाख इन्वेस्ट किए तो बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा एक अमाउंट पे 10 लाख, जिसकी 1 करोड़ की कैपेसिटी है, तो उसको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, परंतु यदि जिसकी 10 लाख की ही कैपेसिटी थी और उसने पूरे 10 लाख इन्वेस्ट किए, तो उसके जीवन में तो बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाएगा। तो ये भी चीज होती है। तो इन्वेस्टमेंट यदि आप कहीं भी करते हैं शुक्र से संबंधित क्षेत्रों में, तो यहां पर आपको लाभ देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा जो लोग संतान की प्लानिंग कर रहे थे, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। यदि आपको संतान अभी तक नहीं हुई है,
या आपने मेडिकल का भी सहारा लिया है और संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, तो ये समय होगा। और खास करके दर्शकों 25 अप्रैल से, क्षमा करिएगा, 25 अप्रैल से लेके 1 मई ये समय होगा, बहुत अच्छा समय संतान प्राप्ति का। अब कुछ लोग गलती कर जाएंगे, ये वीडियो पता चला, देखेंगे कब, 1 मई के बाद, फिर उनके पास ऑप्शन नहीं है, वो तो फिर ग्रह स्थितियां देखें आगे जो बदलती रहती हैं उस समय, पर ये समय होगा कहना चाहिए कि 25 से लेके वही कितना 1 हफ्ते का समय। तो ये समय संतान प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा समय है यदि कुंडली सपोर्ट करेगी तो कुंडली का विश्लेषण करिए या तो कुंडली का विश्लेषण करवाइए, क्योंकि ये समय जाएगा फिर आगे समस्या है। अब इसके अलावा देखा जाए तो जो विद्यार्थी हैं और शुक्र से संबंधित अध्ययन कर रहे हैं उनको भी लाभ मिलेगा। तो ये बहुत सारे लाभ आपको अपनी दर्शकों मिलने वाले हैं, परंतु कुछ सावधानियां भी हैं, उन्हें भी समझते हैं। सावधानियों की बात करें तो यहां व्यय की स्थिति बनेगी, तो व्यय से आपको बचना होगा, कोर्ट कचहरी के मामलों से भी आपको बचना होगा, और साथ में जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते हैं उनको मौका तो मिलेगा, यात्रा करने का मौका भी मिल सकता है, परंतु सावधानियां, क्योंकि चोट चपेट लगने की स्थिति या विदेश जाने के बाद कुछ समस्याएं, या आप जैसे कोई काम करने के लिए जा रहे हैं तो वहां पर कुछ समस्याएं अड़चने बाधाएं आए, काम भले हो जाए क्योंकि जो स्थिति है शुक्र की वो सपोर्ट करेगी तो काम हो जाए, पर उसमें बाधाएं समस्याएं आ सकती हैं। तो ये सावधानियों को ध्यान में रखें और फिर आगे बढ़े। और उपाय की हम बात करते हैं प्रिय दर्शकों, तो उपाय के रूप में आप माँ जगदम्बा की आराधना कर सकते हैं, और माँ जगदम्बा की आराधना में सबसे विशेष कनेर का जो फूल होता है उसको माँ जगदम्बा को अर्पण करें, और उसमें एक लाल कनेर होता है उसको अर्पण कर सकते हैं आप, और साथ में माँ जगदम्बा से अपनी कामनाएं आप मांग सकते हैं, जो भी आपकी कामनाएं इच्छाएं हैं, और उनसे प्रार्थना करें कि आपके जीवन में जो समस्याएं हों दूर हों और आपकी इच्छा पूरी हो, ये करें। और कमेंट में जय माता जी या जय माँ जगदम्बे लिख सकते हैं, और लिखने के साथ स्मरण भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।